गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. फ्रेंड्स, आज हमने क्या किया, आज हमने स्टार्ट की अपनी जर्नी पांग से. रात को पांग बहुत लेट पहुंचे थे बिकॉज तंगनामा में बहुत लंबा जाम लगा था. तो आपको मैंने बताया जैसे कि हम पांग में रुके थे लाचुंग गेस्ट हाउस में, जो एक होम स्टे था बेसिकली, और हमें एक रूम लिया, बड़ा सा रूम लिया, उसमें स्टे किया, वॉशरूम अटैच था. उसका हमें रेंट पड़ा 6 लोगों को 1,000 रुपये. ये सचू के वे में है, सचू यहाँ से अराउंड 50 किलोमीटर होगा. पांग से निकल के आ चुके हैं और जा रहे हैं मनाली. टारगेट मनाली है, बट आई डोंट अश्योर यू कि मनाली पहुँचेंगे बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू टेक एन रिस्क, बिकॉज मैं बाइक पे हूँ और बाकी मेरे साथी जो है वो कार पे हैं. सो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट. अभी मैं गोप्रो चार्ज कर चुका हूँ ऑलमोस्ट, तो अभी मैं आपको गोप्रो शॉट्स दिखाऊंगा. और यहाँ पे हम करने वाले हैं ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में क्या है, ब्रेड ऑमलेट एंड चाय एज यूजुअल. ब्रेकफास्ट दोस्तों हम निकल चुके हैं मनाली की तरफ. मनाली तो दूर है, शायद सचू आएगा. और रास्ता कितना खूबसूरत है, आप देख सकते हैं कि पहाड़ कितने खूबसूरत और ब्यूटीफुल लग रहे हैं यहाँ से. जल्दी का काम शैतान का, जल्दी का भी मत कीजिए दोस्तों, वरना ये हाल हो सकता है. माय गॉड, बहुत केयरफुल गाड़ी चलाएं दोस्तों. 8 सितंबर की आप लास्ट में राइड कर रहे हैं और रास्ते में बर्फ है. बर्फ के लिए क्या रूल है दोस्तों, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, अगर रोड पे बर्फ भी है और पानी भी है, जैसे खड्डे होते हैं पानी भर जाता है उनमें बर्फ से गलती है, तो बर्फ के ऊपर से मत निकालें, पानी में से निकालें. बाइक स्किड नहीं करेगी और आप आराम से क्रॉस कर देंगे, स्पीड का सामना करना नहीं पड़ेगा. अगर बर्फ़ से निकलेंगे तो बाइक स्किड करेगी ही करेगी, कोई भी बाइक बर्फ़ पे चलाने के लिए नहीं बनी है. गाइस, ढाबे से थोड़ा सा आगे आया तो मैं से खिटोल नहीं कर पाया अपने आप को, इतना अच्छा नज़ारा मेरे पीछे था. आई गॉट माइसेल्फ हियर, बहुत खूबसूरत नज़ारा आया यार. तो मैंने सोचा क्यों ना फिर गया स्निकर्स की एक ब्रेक ली जाए, एनर्जी बार खाई जाए. एनर्जी देती है बहुत ज़्यादा मुझे, क्योंकि इसमें है पीनट्स और ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं किया है स्निकर्स ने. अपने पास कोई भी जो पसंद है आपको ब्रांड, उसकी चॉकलेट्स रखिए, कैरामल वाली रखिए, ताकि आपको एनर्जी मिलती रहे. हमने 14 सितंबर को स्टार्ट किया था ये अपना टूर, लद्दाख का ट्रिप स्टार्ट किया था, और आज है 23 सितंबर, और लगता है कि शायद आज हम मनाली पहुंच जाएंगे. अगर हम टाइम पे मनाली पहुंच गए तो वापस घर. पता ही नहीं लगा कब इतनी जल्दी से ये सारा ट्रिप ख़त्म हो गया, कब खजुंगला कर लिया, कब पैंगोंग पे चले गए, कब तंगनंगला चिंगंगला है, सब करते गए करते करते गए. बहुत कम दिन लगते हैं यार ये सब करने में. काश पूरा साल, पूरा महीना, पूरा
जिंदगी यहाँ गुजार दूँ मैं लद्दाख में, इतना खूबसूरत है लद्दाख। तो आप क्या वेट कर रहे हैं, आइए ना घूमिए। चलिए आप, हमने मस्ती कर ली, थोड़ी फोटोग्राफी की है और अब निकलेंगे वापस मनाली की तरफ। पहाड़ काट कर रास्ता बनाया गया है दोस्तों, ये है गाटा लूप्स। दोस्तों ये है गाटा लूप्स। इसकी स्टोरी ये है कि एक आदमी जो यहाँ पे आ रहा था, ट्रक पे आ रहा था, उसके साथ क्या हुआ था दोस्तों, वो सबसे एंड में लास्ट राइडर था, राइडर नहीं माफ करना दोस्तों, ट्रक में था, सबसे आखिरी ट्रक उसका था, उसके सारे ट्रक आगे निकल गए तो उसका ट्रक खराब हो गया, उसे हेल्प नहीं मिल पाई, उसका ट्रक बंद हो गया। तो क्या हुआ, जो ड्राइवर था वो चले गया हेल्प लेने के लिए आगे, और जो उसका जो क्लीनर था वो वेट कर रहा था कि जब ड्राइवर वापस आएगा तो मैं उसको ठीक करवा लूँगा ट्रक को। हुआ क्या, ड्राइवर वहाँ जब गया, वापस पहुँचा अपने गांव में जिसे हेल्प लेने के लिए 4-5 किलोमीटर आगे गया, तो वहाँ पे उसे कोई हेल्प नहीं मिल पाई और स्नोफॉल शुरू हो गई। स्नोफॉल शुरू होने की वजह से क्या हुआ, वो वापस नहीं आ पाया और ये प्यासा तड़प के मर गया। जो शख्स की जहाँ मौत हुई थी उस क्लीनर की, उस ड्राइवर की दोस्तों, वो उसकी वजह से ये बनाया गया है एरिया। लोग यहाँ पे पानी डोनेट करते हैं, यहाँ पानी की बॉटल भरी हुई रखते हैं। देखिए यहाँ दोस्तों, यहाँ पानी की बॉटल भरी हुई हैं, ये भरी हुई हैं। कृपया रिक्वेस्ट करता हूँ आगे आइए, यहाँ भरी हुई बॉटल चढ़ाई जाती हैं। और दोस्तों ऐसा है, इसके बारे में एक लेजेंड मशहूर है कि वो अभी भी बाबा जो है, जो व्यक्ति है, वो आता है रास्ते में और पानी मांगता है। ये बात बहुत मशहूर है, इसलिए लोग यहाँ पे आके पानी चढ़ाते हैं ताकि वो उनको तंग ना करे। चलिए आगे चलते हैं, हम हैं मनाली ले हाईवे पे और हमें आज कवर करना है मनाली, और बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे मनाली में। कीप फॉलोइंग अस और देखते रहिए। दोस्तों एक ब्रिज पे एक वक्त में एक ही गाड़ी जानी चाहिए, वरना रिस्की होता है, ये लिखा होता है नॉर्मली हर ब्रिज के ऊपर। ये लीजिए दोस्तों, ले यहाँ से 251 है, करूर 217, उपशी 202, पांग 77, गाटा लूप 74। ओके, ये है लद्दाख वैली। अब हम लद्दाख वैली से बाहर निकल रहे हैं दोस्तों और जा रहे हैं हिमाचल में। अब ये है पहली वाटर क्रॉसिंग। थैंक यू सो मच, शुक्रिया सबका। दिहाड़ी कितनी मिलती है आपको? 1500। 15,000 महीने का, बढ़िया। ख्याल रखिए अपना, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका। गाइस रास्ते में रुके हैं हम, मतलब मैं ही रुका हूँ यहाँ पे अकेला। ये देखिए यहाँ ढाबे बहुत सारे हैं, तो गोप्रो की बैटरी थोड़ी वीक हो गई थी तो मैंने यहाँ पे रोक लिया है। दोस्तों इंटरसेप्टर ने मुझे एक बार भी परेशान नहीं किया, बहुत सेफ फॉर्म करी मेरी बाइक। देखिए
बालाचा पास। गाइस हम पहुंच गए हैं बालाचा पास और जिंगजिंग बार है यहां से 18 किलोमीटर। राइड का बहुत मजा आ रहा है। ओम बारला चाला बारला चाला बारला चाला कर लिया पार बारला चाला बारला चाला बारला चाला पास कर लिया। हम पास हो गए। अरे सुनते हो भाई साहब, हम पास हो गया। तो ये बहुत गंदा काम है, ये बहुत गंदा काम है, इसको मत कीजिए। क्यों खराब कर रहे हो? मैं पकड़ नहीं पाऊंगा, मैं छलांग नहीं मार सकता इसके ऊपर से पहाड़ से। प्लास्टिक मत फेंकिए दोस्तों, मत फेंकिए। हम पहुंच गए हैं दारचा, DARCHA, और यहाँ हम करने वाले हैं लंच। सुबह से सिर्फ एक ब्रेड ऑमलेट खाया है और भूख जोरों पे है, और रास्ते में सील की पिनिया खाई थी। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी कुछ मिलता है खाने के लिए। हमें चार चेरिंग ढाबा पे और ऑर्डर किया है दाल चावल फ्राइड राइस के साथ दाल। तो कैसा कैसी टेस्ट इसका बताता हूँ बाद में। आ जाइए, उससे पहले दारचा कैसा है मैं गर्म मिर्ची कहूंगा, दिखाइए दारचा कैसा है। कट। उस दारचा में लंच करने के बाद, लंच वॉज गुड, क्वांटिटी बहुत कम थी तो मुझे डेढ़ प्लेट खानी पड़ी। ये बस अपना बोर्ड ही खाने के लिए मैं लेके वापस आया हूँ। ये बोर्ड देखिए, ये बोर्ड कहता है कि नेक्स्ट फिलिंग स्टेशन इज 365 किलोमीटर अहेड। क्योंकि हम ले से आए हैं और हमारा पेट्रोल में टैंक है, तो हम जा रहे हैं वापस ले। ऑल द बेस्ट। I have reached Rohtang Pass. अभी मैं दिखाता हूँ कैसा दिखता है।
पास। यहाँ पे लोग सड़क जा रहे हैं, और इस समय मौसम का हाल आप देख लीजिए। गाइस दिस इज रोहतांग पास, और इस समय टाइम हुआ है 7:45, और अंधेरा दिखते हैं आप कितना हो चुका है आसमान में। वेलकम गाइस, दिस इज आवर रूम। हम मनाली पहुंच चुके हैं। आज की जर्नी बहुत लंबी थी, हमने स्टार्ट किया था पांग से और पहुंच गए मनाली, और ये रूम हमने लिया है। चेक इट आउट गाइस, कैसा लगा रूम आपको दोस्तों? इस रूम का रेंट है 3,000 rupees पर डे, पर द थिंग इज कि हमने क्या किया है, बहुत चिप बार्गेनिंग की है, ऑफ सीजन का फायदा उठाया, और रेंट है 1,000 rupees ओनली। मनाली के मेन मार्केट में है ये होटल। इसका नाम क्या है, नाम क्या है, नाम इसका है सियालिन। एड्रेस दिखा देख लीजिए। चलिए अब हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए, आपसे मिलते हैं डिनर के बाद। कितने का है? 10 रुपए का तो बुलाया था मुझे, अब धोखा मत कर भाई तू, तेरे कहने पे आए हैं। हम तो जा रहे थे होटल में, मैंने कहा चलो जा के। नाम क्या? नितेश। अरे वाह, नितेश का पान मनाली वाला। मज़ा आ गया जी, बहुत मज़ा आया। गोविंद ने, मोगे वाले ने मेरी मसाज की है, इतनी पास मत आइए भाई साहब। गोविंद जी ने मेरी मसाज की है, ये गोविंद मोगा से हैं, और इन्हीं छोटे भाई, आपका नाम क्या है? नाम राहुल। राहुल और गोविंद ये हैं मोगा गढ़शंकर से हैं, उन्होंने मसाज की है, लेग्स की हमारी, मज़ा आ गया। सारी थकावट हमारी उतार थी जो लेले तक की थी। चलो एनी वेज अब हम जाएंगे अपने होटल रूम में, खाना खा चुके हैं, सोएंगे, नींद पूरी करेंगे, और कल वापस अपने शहर। राइड पूरी हो गई कंप्लीट, कश्मीर से मनाली, अब वापस अपने घर जाकर आराम से रेस्ट करना है। आज रेस्ट की शुरुआत होगी। थैंक यू वेरी मच गाइस, जबा खैर, खुदा हाफिज़, बाय।